और इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। भागवत की भगवान वाली टिप्पणी के मायने क्या हैं? इसे लेकर सियासत आसमान पर है। मोहन भागवत के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना साध रही है। वो भगवान बनना चाहते। झारखंड के गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया जिस पर सियासी घमासान मच गया है। इस पर हो रही राजनीति भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत का ये बयान पूरा सुन लीजिए। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। जैसे ही मोहन भागवत ने ये बयान दिया तो कांग्रेस ने तुरंत मौका लपक लिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। कांग्रेस का मानना है कि मोहन भागवत की यह टिप्पणी पीएम मोदी की आलोचना करती है, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।